आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा देख रहे हैं और आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे, भगवान की मूर्ति के शेषनाग का फन तोड़ मंदिर में लगाया विवादित झंडा। पुलिस ने बताया कुछ असामाजिक लोगों का है यह काम। दरअसल देश में आजकल धर्म पर विवाद के स्वर कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं, वो चाहे देश स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर, हमें अक्सर ही इस तरह के विवाद देखने को मिल जा रहे हैं। ऐसी ही एक विवाद बिहार के अररिया जिले में देखने को मिला। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के रामपुर कोदरकट्टी गांव में स्थित विष्णु मंदिर में असामाजिक तत्वों ने शेषनाग के एक फन को तोड़ दिया। मंदिर में विवादित झंडा भी लगा दिया, जिसके बाद मामले ने जोड़ पकड़ ली है। दरअसल घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह जब लोग उठे तो ग्रामीणों को मूर्ति के शेषनाग का फन टूटा हुआ मिला, जिसके बाद ही विवादित झंडा भी मिला, जिसके बाद स्थानीय मुखिया ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद अररिया SDPO और SDM मौके पर पहुंचे और विवादित झंडे को कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अररिया पुलिस ने बताया कि किसी असामाजिक और सिरफिरी तत्वों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। मामले को संभालते हुए उन्होंने गाँव वालों को विश्वास दिलाया है कि अररिया अमन पसंद इलाका है। गाँव में शांति बहाल रखने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।